हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन गोश्त। ये बहुत ही लजीज बनता है। हम इसे चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे मटन में बनाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए हम पहले लेंगे 2 बड़े बैगन, आधा किलो, अदरक हरी मिर्चें कटी हुई, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाले। गरम मसाले में हमने लिया है दालचीनी, जीरा, छोटी इलायची, लौंग, यह लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, यह हम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और यह है 125 ग्राम फ्रेश दही, 500 ग्राम मटन। मटन हमने पहले ही बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इसे कुकर में डालेंगे। के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, सारा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कटी हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और 500 ग्राम मटन में हम डालेंगे आधा ग्लास पानी। हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमें इसे भुना हुआ बनाना है। और इसमें डालेंगे फिर आखिर में हम 2 बड़े चम्मच तेल। इसे हम घी में भी बना सकते हैं, ये हमारी खुद की ख्वाहिश है कि हम घी में बनाना चाहते हैं या तेल में बनाना चाहते हैं। ये सब डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें बहुत बखूबी मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर इसको हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 3 सीटियां आनी चाहिए। उसके बाद हम इसको खोलकर सीटी निकालकर इसको चेक करेंगे कि जैसा हम चाह रहे थे वैसा बना है या नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मैं चाह रही थी इसको बनाना। इसको हम एक बार चलाकर देखेंगे। हमें ये ज़्यादा भुना हुआ चाहिए, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे वही फ्रेश दही। हरी मिर्ची और अदरक कटी हुई। और इसको हम बहुत अच्छी तरह मिला लेंगे। इसके बाद हम बैगन को काटेंगे छोटे टुकड़ों में। बैगन पहले हम बहुत अच्छे से धो लेंगे। और जब हमें बैगन डालने हो, हमें जब ही हाथों हाथ बैगन काटने, क्योंकि बैगन अगर हम पहले से काट लेंगे तो बैगन का कलर चेंज हो जाता है और वो चेंज हुआ हुआ कलर फिर इसका अच्छा नहीं लगता। हम इसके 2 बड़े टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करेंगे। और बैगन को टुकड़ों में काटने से पहले धोना है। टुकड़ों में काटने के बाद हमें बैगन को नहीं धोना। इसके बाद हम दही तो हमने डाल दी थी। इसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और बैगन के टुकड़े डालेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिला लेंगे। फिर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। 1 सीटी इसके अंदर लेंगे ताकि बैगन आराम से गल जाए। ज़्यादा सीटियाँ नहीं लेनी गोश्त तक, क्योंकि हमारा गल चुका है, बस हमें बैगन गलाना है। ये बहुत ही लजीज बना है, बहुत अच्छा बना है। इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। चलाने के बाद कुकर खुला रहने तक इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही बिना लिट लगे इसको पकाएंगे। ये बहुत लजीज बना है, दिखने में ही लग रहा है, देखिए। और हम इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे हम बॉईल हुए हुए चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये बहुत अच्छे से भुन चुका है, मसाला अलग हो गया है और रोगन ऊपर आ गया है।
रोगन अगर ऊपर आ जाए, मसाला अलग हो जाए, तो इसी की पहचान होती है कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हमारा बैगन गोश्त खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इसको हम गार्निश कर सकते हैं अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च से।